छुपाते हो भैया, छुपाते हो भैया अपने ही भाई से, छुपाते हो भैया। उदासी हर वक्त बना करके रहते हो, आप उदास हैं और आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं बड़े भैया? भैया बोलो। ये मेरे खुशी के आंसू हैं। नहीं बड़े भैया। जी हाँ भैया, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। आप क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। बड़े भैया, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं भैया सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो कहना क्या चाहते हो? नहीं कुछ हुआ है सुनो मेरे भाई, नहीं खुशी के आंसू है जो कि। नहीं बड़े भैया, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं भैया, मैं कसम भैया हमारी है, सुना वो पे प्रियतारी।
तेरी सुना वो सच सच बता दो कि बात क्या है, नहीं तो आपको मेरी कसम है बड़े भैया। तुमने मुझे कसम दिला दिया तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बोलो बड़े भैया कि बात क्या है। और बना लो दिल को पत्थर, और बना लो दिल को तुम पत्थर, सुना सब कुछ बताता बताता हूँ। और मेरे दिल में है जो परेशानी, मेरे दिल में है जो परेशानी, सुनो सब कुछ बताता मेरे क्या परेशानी है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। भैया श्या भैया यही परेशानी तो मैं जानना चाहता हूँ। श्या भैया कि कौन सी परेशानी है आप मुझे बताओ बड़े भैया। मेरे दिल में जो परेशानी है मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा भैया। बड़े भैया तुम तो जानते हो कि मैंने ठाकुर बलबीर सिंह से कुछ कर्ज लिया था बड़े भैया, और वो कर्ज मैं आज तक नहीं दे सका बड़े भैया। इसलिए ठाकुर का कहना है कि जो किसान कर्ज नहीं देता है वो अपनी बहन बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाया है। बड़े भैया हाँ भैया ये तुम क्या कह रहे हो। नहीं बड़े भैया ऐसा नहीं हो सकता है। सुनो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भैया कहना क्या चाहते हो। तो बस करो भैया अब तुम सुनाओ बात, सुन खून आंखों में आया उतर, बात सुन खून आंखों में आया उतर, घर की इज्जत हवेली पर नहीं जाएगी, घर की इज्जत हवेली पर नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए भैया जाऊं कमर। बड़े भैया ये कभी नहीं हो सकता है। हमारे घर की इज्जत ठाकुर साहब के हवेली पर कभी नहीं जा सकती। हाँ भैया यही तो मैं भी सोचा हूँ कि मेरे घर की इज्जत ठाकुर की हवेली पर नहीं जाएगी। नहीं बड़े भैया चाहे इसके लिए मुझे अपने जान की कुर्बानी न देना पड़े वो मुझे मंजूर है। मैं मर जाऊंगा मुझे कबूल है, लेकिन मेरे घर की इज्जत ठाकुर साहब की हवेली पर कभी नहीं जाएगी। बहुत अच्छा भाई छोड़ो इन सब बातों को, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत अच्छा। लेकिन सबसे पहले चलकर हम दोनों भोजन करते हैं। बहुत अच्छा बड़े भैया आइए मेरे भाई। चलो बड़े भैया। भैया मेरे मालिक ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, हमारे घर की इज्जत ठाकुर साहब के हवेली पर कभी नहीं जा सकती है। चाहे मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है,
लेकिन ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। कहना क्या चाहते हो? मैं खुशी आपसे करना ना हो। कहना क्या चाहते हो? बात ऐसा है, मैं देख रहा हूँ गांव के जितने भाई बेटियां हैं सभी आई है घर पे, हंसी मौज ले रहे हो, लेकिन क्या बताऊं, एक घर की बहू नहीं आई है। मैं समझ गया, वो हराम दादा किसने नहीं भेजा, इसने नहीं भेजा। मैं बतला रहा हूं, बैठिए। कहना क्या चाहते हैं? बैठिए। लिया है कर्जा बलजुआ पदकार, लिया है कर्जा बिरजुआ पत्कार, और पड़ गया है वो ही पत्कार। सबके घर की बहन बेटियां यहां पर आ ही है गई, लेकिन उसकी तो भया हूं अति सुंदर है, सुन लीजिए, न भेदा उसको है पदकार, न भेदा है उसको पदकार, अरे सुन लो ठाकुर तुम्हें उसको। तुम्हारे कहने का मकसद कि बिरजुआ की जो बिरजू है वो इतनी खूबसूरत है, मैंने सुना है। अच्छा, मैं सुना है इतनी खूबसूरत है कि अति ही सुंदर है वो। तो चिंता मत क्यों करते हो, इसी बात हम लोग बिरजुआ के घर चलते हैं। ये बात है, और देखता हूं कि उसकी बीबी कितनी खूबसूरत है। उसकी बीबी नहीं है, सूरज की बीबी है। सूरज की बीबी? जी हाँ, उसकी भया हूं। कहा गया है, कहा गया है कि मेरे भैंसे कांपता, मेरे भैंसे कांपता, पृथ्वी पवन आकाश है, यहाँ का योद्धा मैं हूँ। अक्सर बढ़कर कौन है देखता हूँ, वो हराम दादी इस समय मुझसे बचकर कहाँ जाती है। सूरज ठाकुर साहब, हम लोग सूरज के घर के पास चलते हैं। क्या चला जाए, क्या चला जाए बिरजुआ के घर? जी हाँ, इसी वक्त अभी इसी वक्त बिरजुआ के घर चलते हैं, और देखता हूँ किसी घर की इज्जत मेरे पास कैसे नहीं आती है। ये बात है, आओ चलिए चलिए। अब मुझको ठाकुर परवीर सिंह को करना क्या है, बिरजुआ के घर जाना है। उसकी जो भयाहू है बहुत ही अति सुंदर है, लेकिन बिरजुआ के पास चल के पूछूंगा कि क्यों उसको भेजा नहीं रे, उसको क्यों भेजा नहीं है। लेकिन दोस्तों, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, जो होगा सो सामने आएगा।